नमस्कार दोस्तों देखिए भारत की एशिया कप में जो जर्नी थी वो तो श्रीलंका से हार के साथ ही ख़त्म हो गई थी कुछ लोगों को ये लग रहा था कि शायद अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को हरा देगा तो इंडिया की संभावनाएं बनी रहेंगी लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं था और कल जो मैच हुआ उसमें एक बार ये लगा कि कहीं अफगानिस्तान अपसेट करने जा रहा है पाकिस्तान को लेकिन ऐसा हुआ नहीं भले ही नौ विकेट पर बनाए लेकिन पाकिस्तान ने अपना टारगेट अचीव कर लिया इस मैच के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कई पहलू निकल कर सामने आया है देखिए अब तक एशियन कंट्रीज़ में अगर राइवलरी की बात हम करते थे तो एक राइवलरी सबसे बड़ी मानी जाती थी और वो थी भारत और पाकिस्तान के बीच में इनका कोई भी मैच होता था तो दर्शक भी आमने सामने आ जाते थे और ऐसी भिड़ंत होती थी कि जैसे बस ये जीने मरने का या कोई एक युद्ध चल रहा हो दोनों के बीच में लेकिन अभी पिछले कुछ समय से कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे ये भी सामने आने लगा है कि दो और राइवलरी एशिया में डेवलप हो रही हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच और एक राइवलरी कल हमें देखने को मिली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच शुरुआत बांग्लादेश के खिलाड़ियों द्वारा की गई थी उन्होंने जो नागिन डांस किया था और कुछ समय पहले श्रीलंका को हराने के बाद उनका मजाक उड़ाया था उसका ठीक उल्टा अब श्रीलंका वालों ने कर दिया श्रीलंका ने जिस तरह से बांग्लादेश को हराया और वर्ल्ड कप के इस एशिया सॉरी एशिया कप के फाइनल में उन्होंने प्रवेश किया है अब तो उससे ये भी लग रहा है कि अब यहाँ पर कई इंटरेस्टिंग राइवलरीज देखने के लिए आगे हमें मिलने वाली हैं और देखिए इसमें जो अफ़ग़ानिस्तान वाला और पाकिस्तान का कल का मैच हुआ इसके बारे में विश्लेषण करने के साथ साथ मैं कुछ और विजुअल्स भी आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो राइवलरी है अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान की ये केवल अब मैदान तक सीमित नहीं रही है पूरा बवाल मचा है स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के समर्थकों के बीच झगड़ा हुआ शरजहाँ में बाहर स्टेडियम के बाहर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ पाकिस्तान में कई जगह दोनों के समर्थकों के भिड़ने की खबरें हैं और इस इस पूरा आपने मैदान के दौरान देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान के आसिफ जो बल्लेबाज थे उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान के गेंदबाज की तरफ बल्ला उठा लिया था उनको मारने पीटने के लिए मुझे तो लग रहा है कि आसिफ की मैच फीस न चली जाए इस पर यह बहुत ही घटना ज़बरदस्त हुई थी और इसी घटना के बाद दर्शकों के बीच में झगड़ा हुआ और उनके बीच कुर्सियां तोड़ फोड़ मारपीट इसके विजुअल्स में दिखाऊंगा ये सब हुआ है लेकिन उससे पहले इस मैच के बारे में जान लें मैच बड़ा दिलचस्प रहा और इसके लिए थोड़ा सा आपको डबल डिस्प्ले में ले चलता हूँ थोड़ा स्कोर बोर्ड वगैरह को तफसील से देखते हैं देखिए इसमें स्कोर ज़्यादा बड़ा नहीं था और टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए अफगानिस्तान ने छः विकेट पर एक रन बनाए थे बीस ओवर में हालांकि वो विकेट उनके पास और भी थे वो ज़्यादा रन बना सकते थे लेकिन वो बना नहीं पाए और पाकिस्तान की बॉलिंग काफ़ी टाइट रही लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया तो उनके विकेट भी लगातार गिरते चले गए उनके जो कप्तान थे बाबर आजम वो तो पहली ही गेंद पर ज़ीरो पर आउट हो गए और एक जब पाकिस्तान का दूसरा पहला ओवर चल रहा था तो उस समय पाकिस्तान की स्थिति बड़ी ख़राब थी और देखिए उनके साफ दिख रहा है कि पहला विकेट उनका एक रन पर गिर गया दूसरा अट्ठारह रन पर गिर गया छकर जमा तीसरा विकेट मोहम्मद रिजवान जो लगातार फॉर्म में चल रहे थे वो भी आउट हो गए चा चौथा विकेट सतासी पर पाँचवा सत्तानवे पर छठा एक सौ पाँच पर मतलब ये लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल हार रहा है और एक समय तो दो गेंद पर लगातार दो विकेट गए इनके आपको याद होगा आपने देखा होगा और इसके बाद सारा सीन बदल गया नसीम शाह को आखिरी ओवर आखिरी ओवर था जो उसमें ग्यारह रन पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए थे लेकिन नसीम शाह जो तेज गेंदबाज हैं पाकिस्तान के अच्छी बॉलिंग भी उन्होंने की है भारत के खिलाफ भी बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी इन्होंने उन्होंने पहली दो दो गेंदों पर बीसवें ओवर के दो छक्के मारकर कर ये मैच फिनिश कर दिया और इसके बाद जो कुछ भी ग्राउंड में हुआ वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा निश्चित रूप से कि बहुत बड़ी वहाँ पर आक्रोश लोगों के बीच में देखने को मिला और इसके लिए जो मेन रीज़न था मेन रीज़न इसके लिए दोस्तों ये था कि जो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे ख़ासतौर से जो बल्लेबाज आउट होने के बाद गेंदबाज के साथ झगड़ा करना ये बहुत भी ये एक सबसे आपत्तिजनक घटना इस मैच के दौरान देखने को मिली मैं इसको कुछ आपके कुछ इसकी विजुअल्स दिखाऊंगा उससे आपको ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर मैदान में हो क्या रहा था और मेन घटना जो थी वो ये थी कि नसीम इसमें जो है आसिफ अली जो थे उन्होंने अफग़ानिस्तान के गेंदबा, गेंदबाज गेंदबाज को मारपीट कर उन्होंने हरकत इस तरह की की ये देखिए देखिए जब आसिफ अली आउट होकर जा रहे थे तो जो फरीद थे उनके गेंदबाज उनके साथ उन्होंने इस तरह की हरकत की और दोनों के बीच में ग्राउंड में बहसम बहसा हुई ये बड़ा ज़बरदस्त एक सीन था और देखिए उस समय तक पाकिस्तान के जो मेन खिलाड़ी थे बाब बाबर आजम और कप्तान इनके और रिजवान खान जो लगातार बढ़िया खेल रहे हैं उनकी हालत आप देखिए चेहरों पर बारह बजे हुए थे जब एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और ये वो वाक्य है ना करना पड़ा ये वो गेंदबाज हैं जिनकी गेंद पर दो छक्के नसीम ने लगाए शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेटर हैं यूट्यूबर भी हमारी तरह वीडियो बनाने लगे हैं उन्होंने आलोचना की उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के जो टीम है और अफ़गानिस्तान के जो समर्थक हैं उन्हें बिहेवियर ठीक से करना चाहिए और देखिए ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये मैदान के बाहर के नज़ारे हैं शारजा की सड़कों पर पाकिस्तान की सड़कों पर अफ़ग़ानिस्तान के और पाकिस्तान के समर्थकों में इस तरीके से मारपीट की घटनाएं हुई स्टेडियम के अंदर भी बहुत कुछ हुआ वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टेडियम के अंदर देखिए आप ये देखिए पाकिस्तान के जो प्रशंसक हैं वहाँ पर थे उन्हें अफ़गानिस्तान के समर्थकों ने ज़बरदस्त पिटाई की यहाँ पर बताया जाता है कि दर्शक दीर्घा में बहस शुरू हो गई थी आखिरी के समय जब मैच मैच इतना तनावपूर्ण हो गया था सीटों में तोड़फोड़ की गई और एक दूसरे पर ज़बरदस्त रूप से प्रभार किए गए ये देखिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और ये नसीम शाह का जो एंगर था हालांकि ये लड़का जो है भी उन्नीस सा उन्नीस सा, बीस साल का लड़का है इसने सोलह साल की उम्र में ही हैट्रिक ले ली थी लेकिन मेरा मानना है कि इस पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को अपने इमोशंस पे काबू रखना तो शायद कभी आया नहीं और अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा बदतमीज कोई क्रिकेट टीम है तो वो निश्चित रूप से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कही जाएगी श्रीलंका वाले सबसे जेंटल हैं मेरी नज़र में आज भी जो इस तरह का बिहेवियर नहीं करते उन्होंने बांग्लादेश वालों के सामने ऐसा किया ये मुझे देख बड़ा आश्चर्य होता है और कई घटनाएँ हुई हैं देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान के जो समर्थक हैं उन्होंने पाकिस्तान के झंडो वंडो को रावलपिंडी में उतार कर नीचे फेंक दिया आग लगा दी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं ये भी कई तरह के सीन सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल होते हुए नज़र आ रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ और मेरा मानना है कि टी ट्वेंटी में इस तरह का मैच मैंने तो बहुत दिनों के बाद देखा है इतनी ज़बरदस्त फाइट आखिरी गेंद तक मैच में संघर्ष बना रहा और ये देखिए जो आसिफ के साथ झगड़ा हुआ इसमें ग़लती जो है पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ की थी और बाद में नसीम शाह ने जब छक्का मारकर मैच ख़त्म किया तो उनका यही कहना था कि आसिफ के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ आसिफ अली के साथ वो बहुत गलत था और देखिए यहाँ पर वो कितने गुस्से में है नसीम शाह लड़का है ये इसको मनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये मान नहीं रहा है बहुत सारी चीज़ें वीडियो चल रही है देखिए ये भी वीडियो चल रहा है कि जिसमें नसीम शाह ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि वो आसिफ के साथ इन्होंने बदतमीजी कैसे कर दी और फिर उसके बाद ये दृश्य छक्का मार कर बल्ला फेंक देना हेलमेट फेंक देना ग्लव्स उतार कर फेंक देना ये सब चीज़ें जो है देखने के लिए सामने आई हैं और ये मेरा मानना है कि क्रिकेट को स्पोर्ट्स मैन स्प्रिट की तरह खेलना चाहिए और ये स्पिरिट इनके अंदर मुझे पाकिस्तान वालों के अंदर तो बिल्कुल नज़र नहीं आई लेकिन अब पाकिस्तान को होशियार रहना होगा अब पाकिस्तान को होशियार इस बात से रहना होगा कि भारत के अलावा उसका एक दुश्मन अफ़गानिस्तान भी पैदा हो चुका है और सामने आ चुका है तो उसे पाकिस्तान को अफ़ग़ानिस्तान से भी आगे से सावधान रहना होगा देखिए एक और भी इमोशन बात भी है इमोशनल बात यह है अफ़ग़ानिस्तान की क्रिकेट को बढ़ाने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को आईपीएल में खेलने की परमिशन नहीं है लेकिन अफ़गानिस्तान के राशिद खान नबी कई खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर खेलते रहे हैं इसके अलावा देहरादून में एक पूरा स्टेडियम अफ़ग़ानिस्तान की टीम को भारतीय सरकार ने दिया हुआ है कि ये आपका होम ग्राउंड है आप यहाँ आइए प्रैक्टिस कीजिए अफ़गानिस्तान में जब पहला टेस्ट मैच खेला था एकमात्र टेस्ट मैच आज तक जो खेला है वो भारत के खिलाफ ही खेला था और भारत ने आईसीसी पर दबाव बनवाकर अफगानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा दिलवाया और राशिद खान आप जानते हैं कि पूरी तरीके से भारतीय ज़मीन पर ग्रूम किए गए हैं जो वर्ल्ड के सबसे ख़तरनाक स्पिनर हैं और ऑलराउंडर के रूप में अपनी भूमिका बना रहे हैं दूसरे आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के उधर अफगानिस्तान का अपना के रूप में अपना एक समर्थक डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने अरबों खरबों रुपया वहाँ पर खर्च किया है पैसा इन्वेस्ट किया है योजनाओं में बिजली की योजनाओं में और तेल के मामले को लेकर बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोले गए हैं वहाँ पर भारत सरकार ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है कि तो तालिबान का शासन जब से लौटा है भारत के लिए भी वो एक सेटबैक है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को होशियार रहना होगा उसे भारत ही नहीं आने वाले समय में अफगानिस्तान से भी चुनौती मिलने वाली है वैसे मेरा मानना है कि एशिया कप श्रीलंका जीतने जा रहा है देखते हैं क्या होता है हम सबकी जो शुभकामनाएँ हैं वो श्रीलंका के साथ रहेगी क्योंकि श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं सभ्य हैं और तमीज से क्रिकेट को खेलना जानते हैं नजर बनी रहेगी एशिया कप पर आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार हाय दिस इज पूजा बेदी एंड आई लाइक टू से दैट आई एम डीपली ग्रेटफुल टू हर्ष फॉर हिज वंडरफुल वंडरफुल एनकरेजिंग रिपोर्टिंग एंड द फैक्ट दैट ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर व्हाट ही थिंक्स इज राइट थैंक यू हर्ष फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द लव And rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.